हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीट एंगल वाल्व के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सीट एंगल वाल्व है जो हम प्रोसेस लाइन में लगाए हुए हैं। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि बेसिकली सीट एंगल वाल्व होता क्या है, सीट एंगल वाल्व जो है कैसे वर्क करता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे आप फिजिकली इसे पहचान पाएंगे कि जो सीट एंगल वाल्व है ये हमारा ऑन कंडीशन है या ऑफ कंडीशन है। तो ये सब जो भी डिटेल्स है, हम सीट एंगल वाल्व के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, सो जो कॉन्सेप्ट है आपका सीट एंगल वाल्व के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाल्व है जो प्रोसेस लाइन में हम छोटे लाइन के तौर पे यूज करते हैं। क्योंकि जो सीट एंगल वाल्व है, इसका जो है मैक्सिमम दोस्तों 3 इंच तक हमारा वाल्व का यूज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है एक प्रोसेस लाइन में भी हम इसे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये हमारा सीट एंगल वाल्व का बॉडी पार्ट है। ये जो देख रहे हैं, ये हमारा सीट एंगल वाल्व का बॉडी पार्ट है। बेसिकली इसे हम सीट एंगल वाल्व इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एक एंगल पे है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक बेसिकली सीट होता है जो इसके इनकमिंग को और आउटगोइंग को रोक कर रखता है। ये यहाँ पे एक सीट होता है जो PTFE बेस्ड सीट होता है। उसी के मूवमेंट से एडजस्ट होने के वजह से हमारा इनकमिंग से आउटगोइंग में आपका प्रेशर होगा, या जो भी है आपका एयर है तो एयर फ्लो करेगा, अदरवाइज ये इसे रोक कर रखेगा। तो इसके ही एडजस्ट होने से ये काम करता है। तो ये आप देख रहे हैं, जैसा कि ये हमारा सीट एंगल वाल्व का बॉडी पार्ट है। यहाँ पे जो देख रही है, ये हमारा यहाँ पे आप फिजिकली देखकर यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारा वाल्व का कंडीशंस ऑन है या ऑफ है। अभी देख सकते हैं ये वाल्व हमारा ऑफ कंडीशंस में है। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर का आपको कुछ एक दिखेगा, सो डैट आप कॉन्सेप्ट आपका जो है कैसे ऑन होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट का। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट पर, जिसे हम दोस्तों नॉर्मली हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, और अगर दूसरे टर्म में इसको बोला जाए तो ये है बेसिकली DCV, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये जो है हमारा 5x2 पोर्ट्स है। 5x2 पोर्ट्स कहने का मतलब दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो पोर्ट है 1, 2, 3 और नीचे हो गया 2, 5 पोर्ट्स है, इसलिए इसे हम 5x2 बोलते हैं। 5x2 इसलिए कहा गया है क्योंकि आउट में जो इस वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग को जो डिसाइड करता है वो ये 2 पॉइंट है, इससे हमारा इस वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होता है। तो ये नॉर्मली आपका जो वाल्व है ये हमारा क्लोज टाइप का है। नॉर्मली क्लोज इट मीन्स जब हमारा वाल्व है, जब इसे हम कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई और न्यूमेटिक एयर नहीं दिए हैं, तभी हमारा क्लोज कंडीशंस में रहेगा। ये एक नॉर्मली ओपन कंडीशंस में भी हमारा रहता है जो वाल्व आता है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास 2 है, ये नॉर्मली क्लोज टाइप का वाल्व है। ये आपका एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का वाल्व आप प्रोसेस लाइन में आप लगाना चाहते हैं, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है। ये जो देख रहे हैं हमारा नॉर्मली क्लोज टाइप का वाल्व है। बेसिकली इस पर हम बात कर रहे थे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये हमारा देख सकते हैं मेन एयर का PU ट्यूब फिटिंग इसमें लगा हुआ है, जो इसका वर्किंग ऑलमोस्ट दोस्तों 5 kg पे है, बट इसे हम जो दे रहे हैं प्रेशर, ये 8 kg प्रेशर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो आ रहा है। तो अब इसे समझते हैं, जो ये हमारा सोलेनॉइड है जिसे हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों हम लोग जो सिग्नल देते हैं PLC से, वो DO देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इस सोलेनॉइड का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, इसके अंदर क्वाइल है और पिस्टन होता है, जिसके मूव करने से ही ये हमारा पोर्ट चेंज होता है। तो क्या होता है कि इसे हम DO सिग्नल देते हैं, डिजिटल आउटपुट PLC से। तो यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट आने की वजह से क्या है, इसमें हमारा सप्लाई आता है, इसके अंदर जो क्वाइल है वो हमारा मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने के वजह से क्या है दोस्तों कि पिस्टन जो है हमारा मूव करता है। तो इनिशियली क्या है कि एयर जो देख रहे हैं आप, इस लाइन से आ रहा है, ये जो एयर है ये इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन है, इस लाइन से एयर आ रहा है। अब एक एयर जो है हमारा इस लाइन में, ये इसका आउट देख रहे हैं, तो इससे हमारा इन कर रहा है और आउट यहाँ से निकल रहा है एयर। अभी जो नॉर्मल कंडीशन है, सपोज हम एयर दे रहे हैं, अभी का बात बता रहा हूँ, यहाँ से एयर आ रहा है आपका PU ट्यूब के थ्रू, यहाँ पर इसको हमें, यहाँ पर जो इसका बॉडी पार्ट है हमारा सीट एंगल वाल्व का, उसमें यहाँ पे इन कर रहा है। मतलब जो वाल्व का अभी कंडीशंस है नॉर्मली क्लोज है, और एयर कंटिन्यूअस यहाँ पे हमारा फीड हो रहा है। अगर एयर आप नहीं दे रहे, सपोज इंस्ट्रूमेंट एयर के नॉर्मल कंडीशंस में आप एयर नहीं भी दे रहे, तो उसी समय हमारा वाल्व उस समय भी क्लोज कंडीशंस में ही रहेगा। तो सपोज जब आप ऑपरेट करेंगे तो क्या है कि ऑब्वियसली आप इसे इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई देंगे, तो उस समय क्या है कि अभी इंस्ट्रूमेंट एयर जब यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, तो इस पोर्ट से हमारा यहाँ आ जा रहा है, और ये पोर्ट आपको उधर से घूमकर PU ट्यूब से देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे फीड हो रहा है एयर। तो ये अभी नॉर्मल कंडीशंस में क्लोज है। जब हम कमांड इसे देंगे दोस्तों ऑन का, जब भी आप कंट्रोल रूम से कमांड देंगे ऑन का, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट अवेलेबल होगा, और इसके अंदर का जो कॉइल है
उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इनर्जाइज होने की वजह से। तो इसके अंदर का जो पिस्टन है वो हमारा मूव करेगा। तो जो एयर आपका अभी नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ से इन हो रहा है वो यहाँ से आउट हो रहा था, उस कंडीशंस में जब पिस्टन मूव करा तो एयर आउट होना यहाँ से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब ये जो एयर है इन तो हो रहा है बट आउट यहाँ से होगा, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ से होगा। मतलब इसके बॉडी में पहले यहाँ पे हीट कर रहा था एयर जो नॉर्मल कंडीशंस में, जब हम ऑन करते हैं तो क्या है ये पोर्ट चेंज होता है इसके अंदर का पिस्टन, तो क्या है ये पोर्ट भी चेंज हो गया। मतलब पहले यहाँ जा रहा था अब यहाँ आ गया, तो एयर क्या है इसके थ्रू आएगा यहाँ पे। तो जब एयर यहाँ पे आया मतलब इसके अंदर एयर गया इसके बॉडी पार्ट में, इसके अंदर भी जो है हमारा स्प्रिंग बेस्ड अरेंजमेंट किया गया है, इसके अंदर भी एक बोल सकते हैं आप पिस्टन टाइप का है जो आपका ऑन ऑफ होता है तो आपका मूव करता है। तो क्या है कि यहाँ पे जब एयर स्ट्राइक किया तो ये हमारा इसके अंदर का जो पिस्टन है उसको मूव करा, मतलब इस तो इसकी इस ओर मूव करा। तो इस ओर मूव करने की वजह से क्या है जो PTFE का जो यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट था इसके अंदर में, जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर में होता है PTFE जो हमारा सीट बोलते हैं वो भी क्लोज था। जब इसके अंदर एयर गया इट मीन्स हमारा इसको प्रेस करेगा डाउन की ओर, डाउन की ओर मतलब ये जो आपका PTFE का जो सीट है वो हमारा डाउन आएगा। इट मीन्स जो एयर है हमारा सपोज यहाँ से इन जो हो रहा था वो हमें आउट में एयर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है आपका सीट एंगल वाल्व वर्क करता है कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों इसे हम ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। जब तो दोस्तों अभी इसको देखिए आप ओपन हो रहा है, ओपन हुआ तो यहाँ पर लाइट जला और ये भी रेड नीचे देखेंगे तो इंडिकेशन आपको दिखेगा। आपको फिर से ओपन है देखिए ओपन रेड डीओ जो आ रहा और यहाँ भी इंडिकेशन देखिए रेड है, फिर चला गया। कुछ इस तरह से हमारा जब ऑन होता है ऑफ होता है और आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे किस तरह से हमारा हो रहा है, ये लाइट का है। तो आई होप आप जो है इस वाल्व के बारे में समझ गए होंगे किस तरह से है, देख सकते हैं किस तरह से हमारा वाल्व ऑपरेट कर रहा है और आवाज़ कर रहा है। तो आई होप आप सीट एंगल वाल्व के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।